दोस्तों अगर आप भी बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एशिया कप का दूसरा मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एशिया कप का दूसरा मुकाबला लगभग हार चुका था श्रीलंका, लेकिन सदीरा समारा विक्रमा ने तगड़ी बहस हो जाने के बावजूद भी जड़ा शतक और फिर उनका साथ निभाते हुए चरित असलंका ने मिलकर ऐसे पलटा हारा हुआ मुकाबला कि देखकर पूरा भारत देश भी हो गया हैरान। तो दोस्तों आखिर श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी का यह रोमांचक मुकाबला आपको हाईलाइट में तो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में से इस बार एशिया कप का खिताब कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एशिया कप का दूसरा मुकाबला पाले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में बांग्लादेश टीम के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों पिच का मुआयना लेते हुए बांग्लादेश के कप्तान को तो यही लग रहा था कि यह फैसला उनका बिल्कुल सही होगा, लेकिन बांग्लादेश की टीम तो यहां 42.4 ओवर में अपने 10 विकेट गंवाकर मात्र 164 रन बना पाई और श्रीलंका के सामने 165 रन का लक्ष्य रखा। हालांकि दोस्तों एक समय पर तो लग रहा था कि श्रीलंका की टीम तो इस मुकाबले को 20 ओवर में ही जीत लेगी, लेकिन दोस्तों यही तो सबकी गलत सोच मात खा गई, क्योंकि यहां पर श्रीलंका की टीम पर ऐसा दबाव बांग्लादेश की टीम ने बनाया कि मुकाबला बिल्कुल अंतिम ओवर में चरम पर पहुंच गया। दरअसल हुआ ये कि जब बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद नाइम और तंजीद हसन ने पारी की शुरुआत की तो यहां पर यह दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी नहीं कर पाए। पहला बड़ा झटका महीश तीक्ष्णा ने तंजीद हसन के रूप में बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 0 रन पर ही आउट हो गए। अब ये एक विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर उतरे नाजमुल हुसैन शांटू, जहां शांटू और मोहम्मद नाइम के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती है। उससे पहले ही धनंजय डी सिल्वा ने प्रथम निशंका के हाथों मोहम्मद नाइम को भी चलता किया, जो कि मात्र 16 रन बना पाए। अब दो बड़े झटके 25 रन के कुल स्कोर पर लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम ने यहां पारी को संभालने की कोशिश की और इस दौरान शाकिब अल हसन और नाजमुल हुसैन शांटू अच्छी साझेदारी नहीं निभा पाए। यहां पर शाकिब अल हसन मात्र 5 रन बनाकर ही आउट हो गए और फिर इस विकेट के बाद मैदान पर बारिश हो गई और मैच को लगभग 1 से 1.5 घंटे तक रोक देना पड़ा। और फिर जब शांटू के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए तोहिद हिरदोय मैदान पर उतरे तो यहां पर हिरदोय ने 20 रन की पारी खेली, तो वहीं उनके आउट हो जाने के बाद मुस्फिकुर रहीम भी मात्र 13 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं मेदी हसन ने 5 रन बनाए, मेदी हसन ने 6 रन की पारी खेली, तो वहीं तस्कीन अहमद 0 रन पर ही आउट हो गए। लेकिन यहां पर बांग्लादेश का एक बल्लेबाज अंत तक लड़ा और वो कोई और नहीं बल्कि थे नजमुल हुसैन शांटू, जिन्होंने 89 रन की पारी खेली और अपनी इस पारी में 7 चौके भी लगाए, लेकिन अपनी टीम को वो बस 150 रन के आंकड़े के पार ही पहुंचा पाए। और यहां पर बांग्लादेश की टीम अपने 10 विकेट गंवाकर मात्र 164 रन बना पाई और 165 रन का लक्ष्य अब श्रीलंका के आगे था। और वहीं श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट मथीसा पथी राणा के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट महीश तीक्ष्णा को मिले और 1 विकेट धनंजय डी सिल्वा, दुनित वेलेलेज और तासुन सानाका को मिला। हालांकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मुकाबलों की राइवलरी कैसी है और दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती है तो बहस होना तो तय होता ही है। और इस दौरान पहली पारी में भी हम सभी को कप्तान शाकिब अल हसन श्रीलंकाई गेंदबाजों से बहस करते हुए नजर आए। अब श्रीलंका के बल्लेबाजों का यही काम था कि वो उनसे अपना बदला पूरा करें। और यहां पर जब श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत प्रथम निशंका और करुणा रत्ने उतरे तो यहां पर दोनों बल्लेबाज साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही तस्कीन अहमद ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विमुत करुणा रत्ने को चलता किया, जो कि 1 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब जब ये विकेट मिल गया तो मैदान पर फिर उतरे कुशल मेंडिस, जहां प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही प्रथम निशंका भी 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब ये दो बड़े झटके श्रीलंका को लग जाने के बाद यहां सौरीफुल इस्लाम ने अब अपना आक्रोश दिखाना शुरू कर दिया और मैदान पर खेल रहे कुशल मेंडिस और सादिरा समारा विक्रमा से बहस करना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल भी देखने के लिए मिला। अब श्रीलंका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था, अब उनको बस इसी बात पर फोकस था कि यह मैच कैसे जीता जाए। और फिर क्या था, यहां पर सदीरा और कुशल मेंडिस ने मिलकर अपनी टीम को 50 रन के आंकड़े के पार पहुंचाया और फिर कुशल मेंडिस को अपने जाल में शाकिब अल हसन ने फंसा लिया और 5 रन बनाकर ही वो आउट हुए। लेकिन दोस्तों यहां पर सदीरा समारा विक्रमा ने चरित असलंका के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने
छक्के छक्कों की बरसात कर डाली और बांग्लादेश की टीम को इस रोमांचक मैच में हराया। और इस दौरान सदीरा सामर विक्रमा ने 52 रन बनाए, तो वहीं चरित असलंका ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एशिया कप का यह रोमांचक दूसरा वनडे मुकाबला देखने के बाद, और आप किस बल्लेबाज को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।